किसी का छह दिल के शुक्र गुजार हूँ जो यहाँ आए, जिन्होंने इस महकमे में काम किया, जो छोटा हो या बड़ा हो, पर उन्होंने ये प्रोग्राम को पूरा बनाने में अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। खासकर कयूम भाई का, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि उन्हें जो भी काम दिया जाएगा वो जरूर उसको पुरसरार पूरा कर सकेंगे। मुझे ये खुशी महसूस होती है कि आप लोगों को बता दूं कि अगले साल हमारा प्रोग्राम अहमदाबाद में होगा। नेक्स्ट ईयर होगा आखिरी सैटरडे और संडे। और एक मरतबा आप सब लोगों का शुक्रिया, आपने यहाँ आया, हम लोगों की बातों का तामून किया, हमने आप लोगों को एक मैसेज पहुँचा दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस मैसेज को आगे पहुँचाएंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से विदा होते हुए हमें बहुत गम हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि हम थोड़ी देर के लिए साथ में चला। खुदा सकन की बात है, दूर से पैमाना है, इमरोज ज्यादा इमरोज फजा से नना जिंदगी जावेदा पै हम रवा हरदम जवा है जिंदगी। आपको नया साल मुबारक हो। हमारे काम नजर थी मकबर के पास, उसको पूरा क्लीनलीनेस ड्राइव चला। इस ड्राइव में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माशाल्लाह पूरा टाइम इन्होंने लगाया और उस नदी को नदी का रूप दिया। मैं चाहूँगा कि एफमी की जानिब से जो है गौरी का जो है इस्तेमाल हो। जब तक आप यहाँ जाइए आपको लोग देखेंगे। जब तक showering his favors on us. Without his favors, we would not have been able to organize this big event. I am actually very much, you know, I was worried how the things will work. Similarly, when Abdul Qayyum Maulana had come with the proposal that FME are coming to Aurangabad to organize this event, 33rd event in our convention in Aurangabad. So 22 states have been selected, students from 22 states have come to Aurangabad, and it is a good thing that this event was organized here. So when last week jab hamare Ali sahab aur Siraj sahab yahan Aurangabad jab aaye, to main unke sath mein inspection ke liye aaye the ki kis tarah cheez aage badh rahi hai, to humne dekha यूनिवर्सिटी गए, हॉल देखा, एक दो जगह गए, कुछ बात करे और फिर मुतमईन होके वो लोग चले गए। तो मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, इनकी इनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियाज़ है, वो हम इसको इम्बाइब करें। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, मैं जैसे अभी मिराज साहब ने कहा कि आप सुबह में जल्दी उठिए, पढ़िए, और जितना आप रीडिंग करेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस में आपकी नॉलेज इतनी नहीं बढ़ेंगी जितना आप खुद पढ़ेंगे। जैसे यस्टरडे जैसा मेरी पोती को जो अवार्ड मिला था,
10 साल की उम्र में उसने किताब लिखी, तो उनको मोबाइल नहीं है, स्क्रीनिंग टाइम नहीं है, टीवी नहीं है, आईपैड नहीं है, घर में कुछ उनको अलाउ नहीं करते, तो बच्चे रीडिंग करते हैं। आप लोगों को एक जिस तरह अब्दुल कईम साहब के मिर्ज़ा बेगम ने जिस तरह मिर्ज़ा बेटी ने जिस तरह लाइब्रेरी का एक छोटा सा थॉट उसके दिमाग में आया है, तो अल्लाह ताला जब आप कोई अच्छी चीज़ करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करता है, और कहाँ से सपोर्ट आता है ये कोई आप जान नहीं सकते। जिस तरह एथमी के लोग औरंगाबाद आ रहे हैं, हैट्स ऑफ फॉर देम, उनकी एज देखिए, हाउ मच मनी दे हैव स्पेंड ऑन द टिकट्स टू कम टू औरंगाबाद, नॉट ओनली औरंगाबाद, इट इज़ फिजिकली टायरिंग फॉर देम, फिर भी वो आते हैं। उनका एक मिशन है कि किस तरह यहाँ के अपने फॉर्म के लोग ऊपर आए। तो आपको कोई भी किसी की मदद नहीं चाहिए, जिस तरह मैडम ने अभी कहा कि आप किसी से एक रुपया भी मत मांगिए, और जो लोग बाशूर हैं, जो जिनके पास बहुत पैसा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, औरंगाबाद में काफ़ी लोग पैसे वाले हैं, कि वो लोग दे शुड आइडेंटिफाई दोज पीपल हु डू नॉट कम एंड आस्क फॉर एनीथिंग, उनकी मदद करना चाहिए। हमारा एक फैज़ेआम ट्रस्ट है जो 40 ईयर्स से ज़्यादा उसका ये टाइम हो गया है। उसके पहले हम लोग यहाँ पर कागजीपुरे में हेल्थ कैंप लेते थे, जहाँ पर टीबी का बहुत प्रॉब्लम था, तो हैदराबाद से बॉम्बे से डॉक्टर्स आते थे और वो लोग उनको बता के उनका इलाज करवाते थे मेडिकल कॉलेज में। तो एथमी की जो टीम है, जिस तरह यहाँ औरंगाबाद में आई, तो मुझे उनसे गुजारिश है कि अगर आप हम लोगों को गाइड करें यहाँ के लोगों को, कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, आप देखते हैं कि किस तरह मॉडरेटर्स ने मॉडरेशन किया है, डिफरेंट टीम्स ने काम किए हैं, रात और दिन लोगों ने काम किए, एक्सेप्शनल हमारे जो मौलाना है, मौलाना को देने का एक अलग तरीका था, बिल्कुल वही तरीका था जैसा कि आजकल स्लॉटर हाउस में इस्तेमाल किया जाता है, कि एक मशीन की ब्लेड आकर गर्दन को कट कर देती थी, दैट वाज द मेथड। एक शख्स को वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी डिक्लेयर किया, तो वहां के साइकोलॉजिस्ट चीफ जस्टिस के पास गए और उन्होंने कहा कि सर, वी डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस इन द डेथ पेनल्टी, बट जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन वी वॉन्ट टू गिव डेथ पेनल्टी इन आवर ओन वे। सुप्रीम कोर्ट जज आस्क्ड कि इससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, तो उसने इजाजत दे दी। नाउ व्हाट इफ द नाउ अब माइनॉरिटी का जहां तक तसव्वुर है, कभी कभार तो हम अपने घर में भी अपने आप को माइनॉरिटी फील कर सकते हैं। एक प्रोग्राम डिसाइड हो रहा है, सब लोग एक जगह जाना चाह रहे हैं पिकनिक को, और शॉर्ट आप अकेले पड़ गए तो वहां पर भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। माइनॉरिटी में होना कोई जुर्म नहीं है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी की, खासतौर से फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द मीनिंग इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल विच इज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि हम ग्राउंड वर्क पे काम करना चाहते हैं, हम लाइब्रेरीज बनाना चाहते हैं, हम पौधे लगाना चाहते हैं, हम बच्चों को हम नस्ल नौ की परवरिश करना चाहते हैं। जब इसकी प्लानिंग चल रही थी तो हम लोग इस ताल्लुक से बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाए, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए कि उसको जिन लोगों का हक है, जिन लोगों को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ये अप्रिसिएशन हम लोग जो देना चाहते हैं, ये हमेशा हमको समझ में आएगा जब हम लोग सोशल साइंस को पढ़ेंगे। हमको आज जिस तरीके से तारीख लिखी जा रही है, तो हम लोगों को आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि दोबारा अपनी तारीख को पढ़ना है। हमको हिस्ट्री, हमको पॉलिटिकल साइंस, हमको इकोनॉमिक, हमको ज्योग्राफी, इन तमाम चीज़ों को दोबारा से पढ़ना है, और इनके लिए कहने के लिए औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में बहुत सारे इनके लिए छोटा सा तोहफा अली भाई साहब के साथ। इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कंडक्ट करने के लिए मिर्ज़ा हुसैन सईद अली साहब, कई मराठी के
बहुत बेहतरीन प्रोग्राम इस तरह से आराम कार्यक्रम नहीं होता।